दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें। ये जंग काफी अब दिमाग से लड़ना शुरू की जा चुकी है। अभी तक ये जंग हथियारों से चल रही थी, अब ये जंग है ये अब दिमाग से लड़ी जा रही है। अब व्लादिमीर पुतिन यानी रूस की नई चालाकी सामने आई है जो कि काफ़ी खतरनाक है और काफ़ी इसकी चर्चा हो रही है। अमरीकी एक सीनियर जनरल ने बड़ा खुलासा किया है कि रशिया कीव पर यानी यूक्रेन पर बिना विस्फोटक वाली मिसाइलें दाग रहा है जिसके अंदर विस्फोटक नहीं है, यानी सिर्फ वो मिसाइल खोखली दाग रहा है जो फट नहीं रही। इसके पीछे वजह यह है कि पुतिन चाहते ये हैं कि हमारी खाली मिसाइलों को यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम रोकें और इतनी हम खाली मिसाइलें दागें कि यूक्रेन के जो डिफेंस सिस्टम है वो हमारी खाली मिसाइलों को रोकते रोकते ख़त्म हो जाएं, बेकार हो जाएं। इसके बाद रूस बड़ा हमला कर दे। इस रिपोर्ट के बाद यूरोप के पैरों तले से ज़मीन निकल चुकी है। अब ये देखा जाना शुरू हो चुका है कि यूक्रेन और रूस की इस जंग में दिमाग का कौन कितना इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन बात करें रूस की ही तो रूस ने मल्टीपल MLRS यूक्रेन पर दागी हैं। दोस्तों आपको ये पता है कि रूस पर पाबंदी लगाई गई है, यूरोप ने पाबंदी लगाई है, लेकिन ये पाबंदी खोखली साबित हुई है। रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से अब तक पाबंदियों के बावजूद LNG यानी लिक्विडफाइड नेचुरल गैस 40% से ज़्यादा इसकी बिक्री यूरोप के देशों में बढ़ गई है। आसान कर देता हूँ, दिमाग पर जोर मत दीजिए, 40% और ज़्यादा बल्कि कम करने के बजाय पाबंदियों की वजह से बल्कि उल्टा हो गया है कि 40% LNG रूस से यूरोप के देश ज़्यादा खरीद रहे हैं। लो जी अब क्या होगा अमेरिका का, थूक लिया, चलो अब चाट पी लो। उधर यूरोप यूनियन की डिमांड ये है, उसकी चाहत तमन्ना ये है कि रूस के वॉर क्राइम पर नज़र रखने के लिए और इस पर सुनवाई करने के लिए एक नई कोर्ट बनाई जाए, एक नई समिति बनाई जाए और एक अलग टीम बनाई जाए, यानी पूरा एक नया कानून व्यवस्था, नई कोर्ट सिर्फ और सिर्फ रूस के खिलाफ ही बना दिया जाए। जैसा रूस ने कहा वैसा हो रहा है। रशिया ने पूरी कीव को यानी यूक्रेन की राजधानी को अंधेरे में डुबा दिया है। 10 सेकंड के वीडियो में ही आप देख लीजिए कि पूरी राजधानी अंधेरे में डूबी हुई है। वहीं रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि 2023 में हमारा लक्ष्य है न्यूक्लियर आर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, यानी न्यूक्लियर से जुड़े हुए साजो सामान को अपग्रेड करने के लिए और न्यूक्लियर फैसिलिटी को अपग्रेड करने के लिए हमारा 2023 में मेन मुद्दा रहेगा। वहीं रूस ने बैकमत के दो, ये जो बैकमत है ये यूक्रेन में ही है और बैकमत काफ़ी बड़ा है, तो बैकमत में मौजूद जो दो यूक्रेनियन गांव हैं रूस ने उस पर दोबारा कब्जा कर लिया है। वहीं दोस्तों यूक्रेन के वेयर हाउस पर, हथियार खानों पर रूस ने आर्टिलरी बम से हमला किया है जिससे यूक्रेन को भारी भरकम नुकसान आज उठाना पड़ गया है।
जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं तो पैक लेते हैं आप, कौन सा पैक लेंगे? ये वाला पैक नहीं कह रहा हूँ मैं, पीने वाला पैक नहीं, वो जो आप मोबाइल पैक लेते हैं 800 वाला, 400 वाला, 500 वाला, 150 वाला, तो उसमें पैक में आपको मिलता है कि 300 SMS फ्री हैं, जियो टू जियो या एयरटेल टू एयरटेल, वोडा टू वोडा फ्री है, इस तरह का पैक होता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, उस पूरे ऑफर को पैकेज कहा जाता है। तो इसी स्टाइल में पाबंदियां देशों पर लगती हैं। ब्रिटेन ने रशिया पर 22वां पैकेज, जी हाँ, पाबंदियों का थोप दिया है। 22वां पैकेज यानी 21 पैकेज, और एक पैकेज में कई सारी पाबंदियां होती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 22वां बैन का पैकेज ब्रिटेन ने रूस पर थोप दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका से ज़्यादा ब्रिटेन रूस के खिलाफ है। बात करें रूस की, तो देखिए रूस में भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो रूस छुपा रहा है। मैं इसको हमला ही मानता हूँ, क्योंकि आज से पहले ये कभी नहीं होता था। हर दिन रूस में आग लग रही है, और ये आग, ये धमाके, ये विस्फोट जो चोरी छुपके हो रहे हैं, ये रूस के अब सेंटर में पहुँच चुके हैं। क्रास्को यास के इलाके में, रूस के सेंट्रल शहर में, रूस के एक बड़े शॉपिंग सेंटर में बड़ी ख़तरनाक आग लगी है। हमेशा की तरह रूस ने इसकी भी वजह नहीं बताई है, लेकिन आप और हम समझ रहे हैं कि इसके पीछे कौन है। देखिए, रूस का वैगनर ग्रुप काफ़ी घातक है, खतरनाक है, नुकसान इसको भी उठाना पड़ रहा है। लेकिन जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि एक तरफ रूस की सेना हो और एक तरफ ये वैगनर ग्रुप, रूस की प्राइवेट आर्मी, अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि वैगनर ग्रुप काफ़ी मजबूत है रशियन आर्मी से। बहरहाल अब इस वैगनर ग्रुप को अमरीका सोच रहा है कि आतंकी ग्रुप में हम डाले या ना डाले, क्योंकि ये काफी घातक साबित हो रहा है यूक्रेन के लिए। वहीं दोस्तों, यूरोपीय यूनियन ने रूस को बड़ी धमकी दी है। आपको बता दूं कि 19 बिलियन यूरोस पहले से रूस के ईयू ने जब्त किए हुए हैं। अब ऐलान किया है कि हम 300 बिलियन यूरोस और रूस के जब्त करेंगे, और इन तमाम पैसों को यूक्रेन को बनाने में लगाएंगे। रूस में भी प्रदर्शन आए दिन देखा जा रहा है। तो एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जो कि स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, ये रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक रूस जो है बड़ी तादाद में, 700,000 की तादाद में प्रोडक्शन कर रहा है ड्रोन्स का, जो छोटे ड्रोन्स हैं और मीडियम क्लास के ड्रोन हैं, जो कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए रशिया इसका इस्तेमाल करेगा, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। वहां बात करें अब रूस की मैदान जंग में, तो रूस की एयरफोर्स ने SU-25 का इस्तेमाल करके यूक्रेन के बड़े ठिकानों पर हमले किए हैं। यह खबर मैं आपको पहले बता चुका था, लेकिन अब एक बार फिर से सामने आई है कि अब खुद अफ्रीकन स्टूडेंट्स ने ही इस बात की कंप्लेंट कर दी है कि हम जो रूस के अंदर हैं, जितने भी अफ्रीकन स्टूडेंट्स, उस पर रूस की सरकार दबाव बना रही है कि हम इस जंग में शामिल हों। दोस्तों, ये बात बहुत गलत है। उधर नेटो ने ईरान को धमकी दे दी है, खबरदार अगर कोई भी हथियार रूस को दिए तो।
इलीगल तरीके से किसी भी देश को किसी भी जंग में शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं अपने मन से एक बात कह देता हूँ कि नेटो के 30 के 30 देश इलीगल तरीके से ही इस जंग में शामिल है। दूसरे पर पत्थर फेंकने से पहले अपने भी कांच के घर को ज़रा नेटो देख ले तो उनकी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अब आपको बता दूं कि ये जंग बड़ी होने वाली है, ये जंग और फैलने वाली है और अब रूस की नाक पर ये बात आ चुकी है क्योंकि रशिया के अंदर तक घुसकर अब हमले शुरू हो चुके हैं। ब्रिटेन ने अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल यूक्रेन को सौंप दी है, उधर अमेरिका ने अपनी सबसे लंबी दूरी के ड्रोन यूक्रेन को सौंप दिए हैं। ये दोनों हथियार हाथ में मिलते ही अब जो खबर आई है तो आप आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे। ये देखिए, ये जो आग आप देख रहे हैं ये बॉर्डर के इलाके पर नहीं है, ये आग किसी ऐरे गहरे शहर में नहीं है, रूस का मेन शहर कुर्स्क, जी हाँ, उस इलाके में है। इसी जगह पर यूक्रेन की आर्मी ने 10 बार स्ट्राइक किया है, 10 बार हमले किए हैं, जिससे रूस के इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जी हाँ, जो कि कुर्स्क का इलाका है, पूरी तरह से तबाह हो गया और बड़ी आग अपनी आंखों से आप देख रहे हैं। उधर यूक्रेन ने रूसी सैनिकों को सरेंडर करने के लिए अपनी एक हॉटलाइन जारी की है, एक मोबाइल नंबर जारी किया है, फोन नंबर जारी किया है। अब ये इसलिए है कि अगर कोई रूसी सैनिक सरेंडर करना चाहे तो हमें कॉल करें और बता दें कि किस लोकेशन पे है और सरेंडर कर दें, हम उसको मारेंगे नहीं। ये दिमाग का खेल है। अब यूक्रेन ने बयान दिया है कि उस हॉटलाइन पर, हमारे उस फोन नंबर पर रोज कम से कम एवरेज 100, जी हाँ, 100 फौजियों के, रूसी फौजियों के फोन आ रहे हैं सरेंडर करने के लिए। उधर अगर रूस की बात करें तो रशिया इसको प्रोपेगेंडा बता रहा है। कमेंट में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसके बाद शाम होते ही रूस ने BM-21 मल्टीपल ग्रेड टाइप के जो रॉकेट है, तोप है, मोर्टार है, यूक्रेन पर खतरनाक तरीके से दागे हैं। देखे, залпом 333. अभी अमेरिका से पेट्रियट डिफेंस सिस्टम नहीं मिला है यूक्रेन को, लेकिन काफी घातक और बड़े हथियार यूरोप के देशों से मिले हैं, जिसका स्वागत यूक्रेन ने किया है। वहीं बात करें दोस्तों रूस की, तो रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने नेटो को सीधी धमकी दे दी है और यह धमकी बड़ी है, इस बात को मान लीजिए। नेटो को कह दिया है कि अगर यूक्रेन को पेट्रियट डिफेंस सिस्टम दिया तो ये घातक होगा नेटो के लिए और ये आतंकी गतिविधि होगी हमारे खिलाफ। अब इस खबर को जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। स्पेन की राजधानी में यूक्रेन का एम्बेसी है, उस एम्बेसी में एनवलप लिफाफा पहुंचा, बड़ा अच्छा सा, जिसमें लेटर वेटर होता है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और जब उसको खोला गया एम्बेसी के अंदर, यूक्रेन की एम्बेसी के अंदर, तो धमाका हो गया जिसमें उस एम्बेसी में काम करने वाले कई घायल हुए, मरा कोई नहीं, मेन बात यह है। लेकिन ऐसे 3 एनवलप पहुंचे, 3 लिफाफे जिसके अंदर विस्फोटक था, जिसके बाद पूरे स्पेन में हड़कंप मच गया। अभी तक ये जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है और किसी का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन जाहिर सी बात है ये रूस के समर्थकों का ही काम है। आज के इस वॉर अपडेट में इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय देना मत भूलिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। और अब तो NDTV बंद हो गया है भाई, अब आपके पास कुछ ही ऑप्शन YouTube पर ही मौजूद हैं। ऐसा नहीं कहूँगा कि सिर्फ रजा ग्राफी है, लेकिन आपको मालूम है एक अकेला आदमी आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जितनी जल्दी हो सके,
ताकि आपको दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें और भारत की भी बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में मिलती रहे। जय हिंद।